मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी मैथमेटिक्स की, गणित की क्या है, सेकंड क्लास की वर्कशीट है, दूसरी क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट के क्लास के बाद आपको ये जो डैश दे रखा है, यहाँ पे आपको अपना सेक्शन मेंशन करना है, जिस भी सेक्शन में आप जो है पढ़ते हैं। और बच्चों, इस वर्कशीट का जो नंबर है वो है 182/182, और डेट है हमारी 2 मार्च 2021। और बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम मेंशन करना है। तो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। तो श्याम चाचा जी की दुकान। रवीश जब भी श्याम चाचा, ये क्या है, श्याम चाचा जी है और ये क्या है रवीश। रवीश जब भी श्याम चाचा जी की दुकान पर सामान लेने जाता, उनको उंगलियों पर हिसाब करते देखकर हैरान हो जाता। वो क्या है, उंगलियों पर हिसाब करता और उनको देखता। आज जब वह दुकान पर एक बिस्किट का पैकेट लेने गया तो उसने पूछा, चाचा जी आप अपनी उंगलियों पर इतनी जल्दी जल्दी हिसाब कैसे लगा लेते हो। चाचा जी ने रवीश को कहा, उंगलियों पर गिनकर। उसने कहा, भाई पूछा कि कैसे लगाते, तो उसने बता दिया कि उंगलियों पर गिनकर। जैसे एक बिस्कुट का पैकेट क्या है, 15 रुपये का आता है, और तुमने मुझे कितने रुपए दिए हैं, 20 रुपये, तो मुझे तुम्हें कितने रुपए वापस देने होंगे। मैं अपनी उंगलियों पर गिन लेता हूँ और क्या है, बहुत जल्दी क्या है हिसाब लगा लेता हूँ। जैसे क्या है, उसने क्या करा, 15 रुपये का सामान आया है, ठीक है, और उसने तुमने दिए हैं उसको 20 रुपये, तो उसने क्या है 15 के बाद उंगलियों पर गिनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मतलब जितने 15 को करके देखो, जैसे क्या लिखा है कि 15 से यहाँ पे 16 आया, ठीक है, 15 से ही जितने तुमने दिया उससे ही तुमको लगाना है, ठीक है, 15 फिर 16 फिर 16 17 18 19 20, तो ऐसे ही 15 से 16 1 रुपया, फिर 16 से 17 1 रुपया, इस तरीके से उसने कहा 1 2 3 4 5, तो उसको कितने देने हैं, 5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 20 रुपये में से 15 कम करने या घटाने के लिए 15 के बाद 20 तक की गिनती उंगलियों पर गिनता हूँ, जो है चित्र में क्या दिखा रखा है, ठीक है। चाचा जी रवीश को कितने रुपए देंगे, 5 रुपये, कितने रुपए देंगे, 5 रुपये। तो चाचा जी ने दोनों हाथों को सभी उंगलियों के हिसाब से पर 1 से 30 तक की गिनती करते हुए कविता भी सुनाई। क्या सुनाई, कि उंगलियों पर गिनना है लाजवाब। जैसे उसने क्या है, अपनी जो उंगलियों की पौड़ियाँ होती है ना, उस पर काउंटिंग डाल रखी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चुटके में होता सारा हिसाब, ना कोई खर्चा ना कोई फीस, उंगलियां हैं 10 पर गिनो पूरे 30। उंगलियां तो हमारी क्या है, 10 हैं, देखो एक हाथ की 5, दूसरे हाथ की 5, 10 हो गई, लेकिन हम जब काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 15 आ गया, फिर 15 30 हो गई, ठीक है। तो अब भी नीचे दी गई तालिका को रवीश के साथ मिलकर पूरा कीजिए। जैसे 20 में से 12 कम करने, तो पहले तो हम ऐसे लिखेंगे कि 20 में से हमने 12 कम कर दिए, ठीक है। अब हम ऐसे लिखेंगे कि 20 के बाद की जो 12 कम कर दिया, अब हम 12 के बाद की जितने भी काउंटिंग करेंगे उसको लिखेंगे, जैसे 13 14 15 16 17 18 19 20, अब हम इसको काउंट कर लेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8। ऐसे ही हम ये करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, 22 में से कितने गए, 11। अब 11 के बाद जो है हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। अब हम ये क्या है, काउंट कर लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने आ गए, 11, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11। 22 में से कितने जाएंगे, 11, तो यहाँ पे 11 लिख लो। अब हम दूसरे पे आते हैं कि अब क्या है, 35 में से कितने करने हैं माइनस हमको, 23। अब इसके लिए भी हमें 23 के बाद सारी काउंटिंग लिखनी होगी, ठीक है। 23 के बाद हम क्या लिखेंगे, 24 25, कोमा लगाते रहेंगे, 26 27 28 29, यहाँ से शुरू कर देंगे 30 क्योंकि जगह कम है, 30 31 32 33, यहाँ 34 और यहाँ 35, ठीक है। अब हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने आ जाएंगे, 12, हमारा आंसर क्या है, 12, ठीक है। इसी तरह से हम अब दूसरा करते हैं, ये क्या है, 50 में से हमें घटाने हैं 38,
इसके लिए भी अब हम क्या करेंगे, 38 के बाद हम लिखेंगे 39, 40, 41, 42, 43, 44, यहाँ पे लिख देंगे 45, 46, 47, 48, 49 और 50, ठीक है। अब हम इसको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12। आप भी क्या है इसको करने की प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और क्या है कि प्यारे बच्चों, आप बारी बारी से अपने दोनों हाथों की छाप कागज़ पर लेकर ऊपर दी गई चित्र की तरह हाथों की उंगलियों पर गिनना शुरू कर। आप भी क्या है अपने हाथों की छाप जैसे बना लेते हैं ना, जैसे आपने इस तरीके से अपना हाथ बना लिया, ठीक है। इस पे ऐसे काउंटिंग लिखना शुरू कर, जैसे एक, इस पे आप इस तरीके से काउंट लिखना शुरू कीजिएगा, 1, 2, 3, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 5 हो गया, ठीक है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आप लिखना शुरू कीजिए। और अभिभावकों का सुझाव है कि बच्चों से हाथों की साफ सफाई के बारे में बातचीत कीजिए, जैसे नियमित रूप से नाखून काटें, खाने से पहले हाथ या खाने के बाद जो है हाथ धोएं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और हमेशा सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहने के लिए मास्क का यूज़ कीजिए, ठीक है बच्चों, और 2 गज दूरी का ध्यान रखिए। आपको अगर हमारी वर्कशीट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बच्चों।